आज का टॉपिक है एवरेज औसत। यह चैप्टर भी कुछ वैसा ही है जैसा कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस में मैंने चर्चा की थी। इसके अधिकतर क्वेश्चंस बिना फॉर्मूला के बनते हैं और पेन का इस्तेमाल भी बहुत कम होता है। मैं आपको दिखाऊंगा आज जो प्रश्न मैं लूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में भी आता है। एग्जाम में तो थोड़ा आसान डाटा आता है, मैंने थोड़ा टफ डाटा लिया और फिर भी आपको दिखाऊंगा कि बिना पेन और पेपर के इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जा सकता है। लेकिन उसके बाद मैं बोर्ड पर भी बना के दिखाऊंगा कि वो बना कैसे। सबसे पहले एवरेज का डेफिनेशन समझ में आना चाहिए। एवरेज यानी औसत किसको कहते हैं? जिस ग्रुप का औसत या एवरेज निकालना होता है उस ग्रुप के सारे वैल्यूज को यदि हम बराबर बराबर बांटें, यदि हम बराबर बराबर बांटें तो हरेक वैल्यू जितना हो जाएगा उस हरेक बराबर मान को ही औसत कहते हैं। इफ ऑल द आइटम्स ऑफ एनी ग्रुप आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली देन व्हाट ईच वैल्यू विल बी, दैट ईच इक्वल वैल्यू इज सेड टू बी द एवरेज। आज का जो क्वेश्चन है मैं दिखाऊंगा भी, पहले बोलता हूं। देयर इज ए क्लास, द क्लास हैज 59 स्टूडेंट्स, एवरेज मनी ऑफ द क्लास इज 67 रुपीज। व्हेन क्लास टीचर एंटर्स इनटू द क्लास देन एवरेज मनी ऑफ द क्लास बिकम्स 67.5 रुपीज। हाउ मच द क्लास टीचर हैज? 59 स्टूडेंट के एक क्लास में एवरेज मनी है 67 रुपीज। क्लास टीचर के शामिल हो जाने से ये एवरेज बढ़ के हो जाता है 67.50 रुपीज। क्लास टीचर के पास कितना पैसा है? अब अगर एवरेज का डेफिनेशन आपको याद है तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आप जानते हैं कि बचपन से कैसे बनाते आए। 59 × 67.67 किया, 60 × 67.5 किया, डिफरेंस लिया, ये बहुत टेढ़ा टेढ़ा, इसमें काफी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यहां देखिए हम लोग सिर्फ डेफिनेशन को अप्लाई करते हैं। There is a class, 59 students, average money is 67 rupees, यानी हर एक के पास 67 रुपीज होगा यदि बराबर बराबर बांटा जाए तो। जब क्लास टीचर क्लास मेंटर कहते हैं तो क्लास टीचर को कहते हैं कि पहले आप उतना पैसा लेके क्लास में जाइए जितना कि क्लास का एवरेज है। दैट मीन्स अपने सारे पैसे को यहां रख के उसमें से 67 रुपीज लेके यहां आ जाइए। तो क्लास टीचर के आने से 60 पर्संस हो गए और एवरेज मनी 67 हो गया। अब क्लास टीचर का जो बाकी पैसा है वो देने से पूरे क्लास का एवरेज 67.5 हो जाता है, यानी 0.5 रुपीज करके बढ़ता है। पर स्टूडेंट है 60, पर्संस है 60 और सबका अगर हाफ हाफ रुपीज बढ़ेगा तो इसका मतलब 30 रुपीज उनको चाहिए, यानी क्लास टीचर के पास 30 रुपीज यहां रखा हुआ था और 67 रुपीज लेके वो आए थे। 97 रुपीज इज द आंसर। इसको मैं एक बार बोर्ड पर भी करके दिखाता हूं। आइए बोर्ड पर हम लोग देखेंगे कि ये 59 स्टूडेंट्स हैं, ये 59 स्टूडेंट्स हैं, ये 59 स्टूडेंट्स हैं, 59 स्टूडेंट्स हैं। इनके पास जो एवरेज है यानी बराबर बांटे तो 67 रुपीज पड़ता है। क्लास टीचर के पास कितना पैसा है? क्लास टीचर पहले 67 रुपीज लेके आ जाते हैं ताकि एवरेज 67 ही रहे। क्लास टीचर के पास 67 तो होना ही चाहिए, प्लस उनके पास इतना होना चाहिए कि उनके आने के बाद सभी जो 60 पर्संस होंगे, यहां तक 60 पर्संस और यहां तक 59 पर्संस, तो एवरेज को 67.5 हो जाना है, यानी सबों को 0.5 देना है और सभी कुल मिला के 60 हैं तो 30 और चाहिए, यानी क्लास टीचर के पास यहां से यहां तक 30 और होनी चाहिए। क्लास टीचर के पास कुल कितना मनी हुआ? 67 प्लस 30 दैट मीन्स की 97 रुपीज, दैट इज द आंसर। ओके, थैंक्स।